महाराष्ट्र में पहले से ही संकट में चल रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे सरकार को एक बार बड़ा झटका लगा है। बताया गया कि पार्टी के चार और विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, जिन्होंने शिंदे गुट को ज्वाइन किया है। ठीक इसके अलावा शिवसेना 3 और विधायक और 5 निर्दलीय विधायक जल्द ही शिंदे सेना से जुड़ सकते हैं। बता दें कि गुवाहाटी में महाराष्ट्र के विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं अब तक शिवसेना के करीब 37 और 9 निर्दलीय प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक होटल में मौजूद है। साथ ही कुल मिलाकर अब तक 48 विधायक गुवाहाटी के रेजिडेंट होटल में मौजूद है। साथ ही शिवसेना के 4 विधायक और 5 निर्दलीय और जुड़ सकते हैं। इसी सियासी संकट को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर शुक्रवार को बड़ा हमला बोलते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी एनसीपी चीफ शरद पवार का अपमान क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि पवार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही शिवसेना ने आगे कहा कि हमारे 12 विधायकों ने बगावत की है, उनके खिलाफ एक्शन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही राउत ने यह भी कहा कि सरकार कब बनेगी, बनेगी भी या नहीं पता नहीं, पर अब कानून की लड़ाई होगी, संख्या बल पर कागज पर ज्यादा हो सकता है। तो वही शुक्रवार को ट्वीट करते हुए शिवसेना संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के एक केंद्र मंत्री ने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है तो शरद पवार को घर नहीं जाने दिया जाएगा। महाविकास अघाड़ी सरकार बचे या नहीं, लेकिन पवार के खिलाफ ऐसी भाषा नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, सच में उद्धव की सेना से हो जाएगा कल्याण, क्या ठाकरे बचा पाएगी अपनी कुर्सी? ये देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।